आखिर क्या हो गया है बांग्लादेश में? क्यों कर रहे हैं लोग प्रोटेस्ट? इस वायलेंस के पीछे की वजह क्या है? वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा क्यों? और शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है इस वक्त। शेख हसीना has resigned and fled the country. शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं क्योंकि शेख हसीना has resigned and fled Bangladesh. इसके पीछे का वजह क्या है? सर आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, वहां पे एजिटेशन हो रहा है, मास मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, आदमी लोग सारे सड़के पे आ गए, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे सारे लोग शेख हसीना के रेसिडेंस यानी प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस गणा भवन में सारे लोग घुस के वहां पे मछली खा रहे हैं, सारे चीज को लूटा गया है, चेयर बोलिए, आपका यूटेंसिल बोले, रेफ्रिजरेटर बोले, किचन का आइटम बोले, सारी एक्सपेंसिव साड़ी से लेके मतलब सारी चीजों को लूटा गया है वहां पे, किस तरीके से आदमी लोग बिरयानी खा रहे हैं। और उतना ही नहीं, वहां पे शेख हसीना जो कि 77 इयर्स ओल्ड एक माँ की तरह है, उनके कपड़े, उनके गारमेंट्स, ब्लाउज, उनके अंडरवेयर, ब्रास को भी आदमी लोगों ने मतलब मजाक उड़ाया किस तरीके से। यहाँ पे मैं वीडियो से यहाँ पे फोटोज दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की अंडरवेयर गारमेंट को लेके एक वीडियो बनाया गया, फोटो खींचा गया। तो आखिर ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में? शायद आप लोग का मन भी सवाल आ रहा होगा और डाउट बहुत सारे होंगे, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनको रिजाइन करके अपनी जान बचा के भाग के इंडिया पे शरण लेने के लिए आना पड़ा। 5 अगस्त को वो जान बचा के इंडिया पे आके वो गाजियाबाद पे अभी रह रही है। तो ये आखिर इतनी सारी चीजें क्यों हो रहे हैं? देखिए वो आप लोग को बताऊं कि शेख हसीना शेख हसीना को आयरन लेडी भी कहा जाता है बांग्लादेश के। 15 साल से वो रूल करते हुए आ रहे, सी हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सिंस 15 ईयर्स। और कुछ महीने पहले, 7 महीने पहले वो प्राइम मिनिस्टर फिर से वो बनी थी 43rd कंसेक्यूटिव टर्म। बट लेकिन उनको अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि उनको अभी उनके पास रहने का ना जगह है, ना मतलब सुरक्षित ना जगह है, ना कोई देश उनको शरण दे रहा। आप लोग को बताऊं कि उन्होंने भागने के लिए, रहने के लिए किसी देश, बहुत सारे देशों से, कनाडा, यूएसए जैसे, यूके जैसे देशों से उन्होंने शरण मांगी थी, जगह मांगी थी रहने के लिए, छुपने के लिए, लेकिन सारे देश ने डिनाई कर दिया। उन्होंने तो इवन यूके के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी बात करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे, हम लोग के देश में ऐसे दंगे हो रहे हैं, तो मुझे शरण दीजिए क्योंकि मुझे अपनी जान बचाना है, लेकिन उनको नहीं दिया गया। लिखिए तो मतलब जब एक आदमी का जब प्रॉब्लम्स होता है ना, तो जब पावर में होते हैं आदमी, तब आदमी जब पावर में होता है, जब आपके पास पैसा होता है, नाम होता है, पावर होता है, तो सब लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए एक समय था क्वीन एलिजाबेथ टू के साथ 2018 में बकिंगहम पैलेस पे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर क्वीन एलिजाबेथ के साथ वो डिनर करती थी, एक साथ डिनर करती थी। यहाँ पे फोटो देखा रहा हूँ। लेकिन आज के दिन पे जब उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, तो उनको वहाँ पे शरण देने के लिए भी वहाँ के लोग, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। तो मतलब समय का घड़ी ऐसा, चक्र भी ऐसा होता है ना भाई, कि कब क्या हो जाए आपका कोई लाइफ में बोल नहीं सकते। आप अभी बहुत अमीर है, आपके पास बहुत पैसा है, दौलत, शहरत सब कुछ है, नाम सब कुछ है, लेकिन ये हमेशा ये परमानेंट, ये सब सारी चीज़ परमानेंट नहीं रहता है, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जो जिस तरीके से शेख हसीना के साथ हो। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ पॉलिटिकली एग्जाम्पल नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ऐसे होते हैं, जब आपके पास पैसा, दौलत, शहरत, नाम सब कुछ होता है, पावर होता है, तो आपको सब लोग वाह वाह करेंगे, सब लोग आपको वेलकम करेंगे, लेकिन जब मुश्किल होता है, जब आप पावर में नहीं रहेंगे, जब आप मुसीबत पे होंगे, आपको कोई शरण देने के लिए, कोई हेल्प करने वाला कोई भी आपको नहीं मिलेगा। मिलने से भी बहुत रेयर मिलते हैं, जिस तरीके से हमारे इंडिया, हमारे देश ने शरण दे के अभी गाजियाबाद में उनको सेफली गैस हाउस पे रखे हुए हैं। मैं उस शेख हसीना की बात कर रहा हूँ जिसने 15 साल तक बांग्लादेश में राज किया था। मैं उस शेख हसीना की बात कर रहा हूँ जिसको आयरन लेडी भी कहा जाता था। मैं उस शेख हसीना की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था, लेकिन आज के दिन पे वो देखिए, आज के दिन पे वो सर पे आ चुके हैं। शेख हसीना के पास ना रहने का घर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके करोड़ों की संपत्ति है, टोटल 15,500 करोड़ की नेटवर्क उन प्रॉपर्टी से उनके पास, उनके पास 3 करोड़ की मेंशन है ढाका पे, उनके पास 1.5 करोड़ की घर है चिटागोंग पे जो कि 2022 में उन्होंने खरीदा था, फिर 1 करोड़ की लग्जरी अपार्टमेंट उन्होंने खरीदा था 2020 में सेलहित में। लेकिन इतने सारे प्रॉपर्टीज होने के बावजूद उनके पास आज के दिन पे ना घर है रहने का, ना लग्जरी अपार्टमेंट है, ना लग्जरी गाड़ियां, कुछ भी नहीं है। तो इतना ही नहीं, वहाँ के प्रोटेस्टर ने तो इवन
वहां के फादर ऑफ नेशन, बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टेचू है उसको भी तोड़ दिया था। तो आप सोच के देख सकते हैं कि हिंसा कितनी, मतलब खतरनाक, कितना खतरनाक वायलेंस एजिटेशन वहां पे हो रहा है। तो ये जो समय का घड़ी है ना, टिक 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 ये चलते रहता है। कब ये समय आपको हीरो से जीरो बना दे ये कोई नहीं कह सकता, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो जितने भी सारे जो लोग एरोगेंट दिखाते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास नाम है, इज्जत है, शहरत है, सब कुछ है, मतलब मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, जो लोग ये दिखाते हैं ना, तो उनका भी समय का घड़ी ये जो चलते रहता है ना, समय का घड़ी, ये कब आपका समय खराब आ जाए और हीरो से कब आप जीरो बन जाए ये कोई कह नहीं सकता। तो समय आपको ऐसे सिचुएशन पे ला सकते हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता जिस तरीके से शेख हसीना के साथ हुआ। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जानते हैं कि आखिर ये वायलेंस क्यों हुआ था, कब हुआ था, कितने लोगों का जाने गया, मेन वजह क्या है और क्या इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, सारे डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए उससे पहले आपको बताता हूँ कि शेख हसीना के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। शेख हसीना वो लेडी है जिनके पिताजी थे द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जब 1971 में बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान वो फाउंडर थे एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो उनकी बेटी है शेख हसीना एंड सी इज 77 ईयर्स ओल्ड। क्या उनके बेटी बेटा है? यस, उनके एक बेटे हैं जो कि लंदन में रहते, सजीब वजीद एंड साइमा वजीद जो कि दिल्ली में रहती है, मतलब एक बेटे है और एक बेटी है उनके टोटल। ओके, चलिए आप जानते हैं कि वायलेंस कब से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कहाँ पे हुआ था और ये कब से ये वायलेंस होना स्टार्ट हो गया था। देखिए ये 1 जुलाई 2024 को पहली बार ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था। पहले वायलेंस नहीं था, पहले पीसफुल एक प्रोटेस्ट था और ये वायलेंस स्टार्ट किया था ब्रेक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ब्रेक यूनिवर्सिटी जो कि बांग्लादेश में, वहां से स्टार्ट हुआ था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट को पहली बार स्टार्ट किया था एंड ये पहले पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन बाद में इन फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई 15 to 20 के बीच में ये एक वायलेंस हो गया। वायलेंस तब हुआ जब पुलिस ने, बांग्लादेश के जो पुलिस है उन लोगों ने जब फायरिंग किया स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके बाद से ये मतलब आग में, जैसे कि कहते हैं ना घी, आग में घी डालने का काम ऐसा जैसा हो गया। तो पुलिस ने जब फायरिंग वगैरह किया तो उसके बाद ये मैसिव, ये मतलब नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट बन गया जहाँ पे 440 लोगों का जाने गया, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, वहां के पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके बाद इतना सिचुएशन खराब हो गया था, मतलब सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन तक ये चला गया था। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके पीछे का मेन वजह, कारण, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस एजिटेशन क्या है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा बहुत सारे न्यूज पे या बहुत सारे वीडियोज पे, लेकिन कोई क्लियर कट अच्छे से नहीं बताते तो आप लोग को मतलब क्लियर नहीं हो रहा होगा, डाउट क्लियर नहीं होगा। तो मैं आप लोग को एकदम क्लियर कट, एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो मेन रीजन है बांग्लादेश के सिविल सर्विस जॉब्स कोटा को लेके। तो बांग्लादेश में एक सिस्टम है 1970 से चलते हुए आ रहा है, जब शेख मुजीबुर रहमान थे जब प्रेसिडेंट थे तब से ये चलते आ रहा है कि 30% सिविल सर्विस के जो जॉब कोटा है वो फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स लोगों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस लोगों को, ग्रैंड सन्स को या ग्रैंड चिल्ड्रंस लोगों को दिया जाए, ऐसा एक सिस्टम है वहाँ पे। तो इस चीज़ को वहाँ के लोग, वहाँ के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, आप लोग को बताओ कि 23.5 लाख स्टूडेंट्स आर यू नो अनएम्प्लॉय, वहाँ पे अनएम्प्लॉय है और सिविल सर्विस का एग्जाम किस तरह कितना टाफ होता है आप लोग को पता है। तो वहाँ पे 30% ये रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर दी यू नो फ्रीडम फाइटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस लोगों को ये कोटा रखा गया, उन लोगों को ये नौकरी दिया जाएगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को लगा कि वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, हम लोग भी टैलेंट है लेकिन हम लोग को ये नौकरी नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे वहाँ के लोग चाहते हैं कि इस कोटा सिस्टम को, इस 30% कोटा को बंद कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए। तो उन लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने 8 मार्च 2018 को भी चैलेंज किया था, हाईकोर्ट में जाके पिटीशन सबमिट किया था कि इस कोटा सिस्टम को बंद कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पे हाईकोर्ट ने, वहाँ के बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था एंड शेख हसीना इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ दिस कोटा। और शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जब थी उन्होंने भी फेवर किया और वो भी चाहती थी कि ये जो कोटा सिस्टम है, जो 30% जो कोटा है, ये फ्रीडम फाइटर्स लोगों की बेटा बेटी उन लोगों को, ये ग्रैंड चिल्ड्रंस लोगों को ये नौकरी मिले, वो भी चाहती थी। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे। तो वहाँ के जितने भी सारे सिटीजन है ये मानते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप का सरकार चल रहा है, शेख हसीना का डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है वो सरकार वहाँ पे चलाया जा रहा है अपने मर्जी से, अपने पावर को मिसयूज करके, और जो टैलेंटेड जितने भी सारे आदमी है उन लोगों को मतलब दबा के अपने पार्टी के आदमी या उनके जो मतलब क्लोज है उन लोगों को अमीर बनाने के लिए ये लोग कर रहे, सरकार को चला रही है ये सरकार, इस तरीके का सरकार है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप भी लगा रहे शेख हसीना
इस सरकार के ऊपर। देन लेटर सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया और रीइंट्रोड्यूस किया इस बिल को, और सुप्रीम कोर्ट हैज यू नो लोअर डाउन टू 5% कोटा, यू नो फ्रॉम 30% से 5% तक इस कोटा को कम कर दिया गया था। उसके बावजूद वहाँ के लोग सेटिस्फाई नहीं थे, वहाँ के लोग मतलब एग्री नहीं थे जिस कारण जिस तरीके से डिसीजन लिया गया, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स लोग चाहते थे कि इस कोटा सिस्टम को टोटली खत्म कर दिया जाए। लेकिन रुकिए, यहाँ पे बहुत सारे हिडन रीजंस भी छुपे हुए हैं जो आदमी लोगों को नहीं पता, आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ पे वॉयलेंस तब से स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाथ में, क्या स्टूडेंट्स के हाथ में गान वगैरह आता है क्या, फायरिंग वगैरह करते, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग गान पकड़ रहे थे, फायरिंग वगैरह कर रहे थे, तो ये लोग कौन थे, इसके पीछे का वजह क्या है, समथिंग इज कुकिंग अप, क्या है मैं आप लोग को बता। देखिए एक बैन स्टूडेंट विंग जमात ई इस्लामी, एक बैन स्टूडेंट विंग से जो कि बांग्लादेश में है, ये सारे लोग इन सपोर्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ये लोग आ गए थे इंसाइट करने के लिए, वायलेंस को फैलाने के लिए, जिस कारण से देखिए आप लोग वहाँ पे सारे जमात ई इस्लामी के सारे लोग आ गए थे स्टूडेंट के साथ और गन पकड़ के मतलब फायरिंग वगैरह करके, मतलब ये ज़्यादा इंसाइट करके ज़्यादा ये वायलेंस कर दिया था, इन लोगों ने पहली बार किया था। क्योंकि देखिए इन लोगों को जमात ई इस्लामी विंग ये बैन था, लेकिन आप लोग को बताऊँ कि इनके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, पाकिस्तान के आईएसआई से इन लोगों को फंडिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पाकिस्तान के आर्मी से फंडिंग मिलता है, और ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तानी लोग चाहते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट चाहती है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट इसको डिस्टेबलाइज कर दे और बीएनपी जो सरकार है वहाँ पे उस सरकार को लेके आए, क्योंकि जो देखिए शेख हसीना का जो रनिंग जो रूलिंग जो सरकार था पार्टी अवामी लीग पार्टी को बैन करके बीएनपी इस पार्टी को पावर में लेके आए और पाकिस्तान के हिसाब से बांग्लादेश को चला पाए, ये मेन इंटेंशन था इस वायलेंस के पीछे। और आप लोग को बताओ कि और उतना ही नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारे, ये पहले पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके बाद ये पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे साजिश किया गया, बहुत सारे स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज़ किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और आप लोग को बताओ कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बांग्लादेश में कहाँ फंडिंग यूएसए से भी आता है, यहाँ पे मैं हो सके तो प्रूफ के साथ आप लोग को दिखा रहा हूँ, वहाँ यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फंडिंग वहाँ से भी आता है, आपका यूएसए से भी आता है। तो ऊपर में दिखा रहे हैं ये आईएसआई का, इन लोगों को मतलब बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल यहाँ पे चीज़ है जो छुपे हुए आदमी लोगों को नहीं पता है। तो दिखा रहा है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उसके पीछे आईएसआई का हाथ है, उन लोगों ने ये भड़काया बार, फिर ऊपर से फिर इन लोग आदमी लोग सोचेंगे कि ये आईएसआई का काम है, पाकिस्तानी लोगों का काम है, लेकिन फिर उसके पीछे और छुपा हुआ है यूएसए, क्योंकि यूएसए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से इतने सारे करोड़ों करोड़ों का मिलियंस का फंडिंग करते हैं इन सपोर्ट ऑफ यू नो यहाँ पे वायलेंस फैलाने के लिए, और यहाँ पे मतलब दंगे हो और इनकी सरकार गिर जाए, हम लोग इनडायरेक्टली कब्जा कर पाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी यूएसए का भी था, तो मतलब आप सोच के देख सकते हैं कि यूएसए का स्ट्रेटेजी कैसा होता है, मतलब पूरे दुनिया को ये लोग चलाना चाहते हैं, इन लोगों का जो सोच जो स्ट्रेटेजी है ना बहुत ही खराब होता है। इस वायलेंस के पर्दे के पीछे कौन कौन छुपे हुए मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया, ये मैं सिर्फ मैं खुद ही नहीं बता रहा हूँ, ये शेख हसीना के बेटे सजीव वजीद ने भी खुद इंटरव्यू में अर्णब गोस्वामी के साथ जो रिपब्लिक मीडिया के जो एंकर है उन्होंने डिबेट में उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था, तो उन्होंने खुद बताया ये सुनिए। व्हाट डू यू रियली फील अबाउट द अमेरिकन्स सपोर्टिंग द जनरल्स सेइंग वेल डन टू द जनरल्स? वेल This is what the Americans do around the world, and every time their policy fails, and now they have turned Bangladesh, which was a developing country, which was a success story, an Asian tiger, now it's going to become like another Pakistan, unfortunately. और इसके साथ साथ बांग्लादेश के खुद के आर्मी का भी हाथ है इस सरकार को गिराने का, ऐसा बहुत सारे सोर्सेस से मुझे ये भी पता चला है। और वहाँ पे अभी क्या हुआ है, देखिये वहाँ पे आर्मी ने एक इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे मोहम्मद हनस जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है 2006 में, उनको एडवाइजर वहाँ पे नेशनल एडवाइजर मतलब वहाँ बांग्लादेश का एडवाइजर बनाया गया है अलॉन्ग विथ 16 अदर मेंबर्स। तो वहाँ पे इंटरिम सरकार बनाया गया, ओट टेकिंग हुआ था कल के दिन पे, यानी 8 अगस्त को ओट टेकिंग भी हुआ था। इसी महीने पे आप लोग को एक शॉकिंग वाली एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसी महीने को 15 अगस्त 1975 को फाउंडर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था, असैसिनेशन किया गया था, उनको मार दिया गया था, उनकी वाइफ को और अलोंग विथ थ्री उनकी फैमिली मतलब टोटल 5 लोगों को मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था 1975 पे। एंड ये दंगा अभी उसी समय पे हो रहा है, मतलब 15 अगस्त कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त है, लेकिन शुक्र है कि शेख हसीना और उनके बेटी मतलब बच के अभी सुरक्षित है, नहीं तो उन लोगों को भी शायद मार दिया जाता। और शेख हसीना एक
ही बेटी थी शेख मुजीबुर रहमान की जो बची हुई थी, उसके बाद वो सरकार बनाई थी वहाँ पे जाके, लेकिन उनके पिताजी माताजी को सब लोग को मार दिया गया था वहाँ पे पहले 1975 में। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम के देश में मुस्लिम के लोगों ने ही मुस्लिम के खिलाफ, शेख हसीना इज ऑल्सो ए मुस्लिम वुमेन एंड जो प्रोटेस्टर्स थे वो सारे लोग मुस्लिम थे, तो मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ ही आप रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स होगा तो वहाँ पे दंगे नहीं होंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग को बताऊँ कि वहाँ पे 2024 में 91% पॉपुलेशन सर मुस्लिम वहाँ पे बांग्लादेश में, एंड हिंदू पॉपुलेशन कितना है पता है? 7.9%, मतलब 8% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन आज के दिन में 2024 में। और वहाँ पे बांग्लादेश में जब बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1971 में, तब हमारे वहाँ पे हिंदू का पॉपुलेशन 23% हुआ करता था एंड मुस्लिम का पॉपुलेशन 76% मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ करता था तब, लेकिन अभी ये उल्टा हो चुका है, अभी सिर्फ 8% से भी कम रह गए हमारे हिंदू के पॉपुलेशन। और ये खराब एक ये लगता है कि क्योंकि देखिए वहाँ पे मुस्लिम के साथ मुस्लिम देश में उन लोगों के बीच में ये मतलब जो रिवलरी है, जो एजिटेशन हो रहा है, ये वायलेंस हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हिंदू जितने भी वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लाखों में वहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, उन लोगों का मंदिर लूटा जा रहा है, उन लोगों का घर लूटा जा रहा है, सब उन लोगों के अटैक किया जा रहा है, मतलब जो सोना चांदी जितने भी है सारे चीज़ वहाँ से मतलब लूटे जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो रहा है। देखिए भाई आप लोग उन क्योंकि देखिए जितने भी सारे वहाँ पे हिंदूज रहते उन लोगों का कोई भी गलती नहीं है, ये लोग पॉलिटिकल मूवमेंट में ये लोग इन्वॉल्व है ना, इन लोगों का कोई नाता है शेख हसीना के साथ कोई नाता है ना कोई रिश्ता है, मतलब कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है, ये माइनॉरिटीज़ में हिंदूज का भी वहाँ पे नाम आता है, तो इन सारे लोगों को वहाँ पे अटैक किया जा रहा है, जो कि बहुत ख़राब है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग का देश में भी बहुत सारे ऐसे एजिटेशन वायलेंस बीच बीच में होता है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ को जिस मुद्दे को लेके जो एजिटेशन करते हैं ना, उसी चीज़ को लेके हम लोग पकड़ के उसी चीज़ को हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज है, जैसे जैसे जो कास्ट के आदमी लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उन लोगों को हम लोग ऐसे नहीं करते। तो अगर कोई बांग्लादेश से अगर इस वीडियो को देख रहा था, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जितने भी सारे दूसरे माइनॉरिटीज है, मैं हिंदू की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने सारे सिख से लेकर दूसरे दूसरे जो जो क्रिश्चियन से लेकर दूसरे दूसरे जितने भी धर्म के आदमी है, उन लोगों को ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा, ऐसा करना ठीक नहीं है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए ये लोग कोई इनोसेंट है, दे आर इनोसेंट, अगर आप कुछ नहीं करते, उसके कुछ भी रिलेटेड आप नहीं हो, उसके साथ कुछ भी आपका कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद आपको आके मारा पीटा जाता है, आपका घर तोड़ दिया जाता है, आपका मंदिर वंदिर तोड़ दिया जाता है, आपका सोना चांदी से लेकर जितने भी सारे एक्सपेंसिव जो चीज़ें होते हैं वो सारे लेके जाते हैं, तो ये क्या आप लोग को अच्छा लगेगा? आप लोग सोच के देखिए। तो प्लीज़ मैं मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी सारे बांग्लादेश से अगर देख रहे, तो इस जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज लेते हैं उन लोगों के खिलाफ आप लोग प्लीज़ थोड़ा दया कीजिए, और उन लोगों को वो लोग इनोसेंट है तो उन लोगों को कुछ मत कीजिए, मेरा मेरी तरफ से प्रार्थना है। जो घटना हो रहा है ना बांग्लादेश के साथ, ऐसे सेम घटना बहुत सारे देशों के साथ हुआ, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ था, मोहम्मद अशरफ घनी को रिजाइन करके वहां से भागना पड़ा था 2021 में, क्योंकि वहां पे तालिबान ने कैप्चर कर लिया था। फिर श्रीलंका में 9 मई 2020 को राजापक्सा प्रेसिडेंट को वहां से रिजाइन करके अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। फिर ऐसे ही घटना हुआ था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ पाकिस्तान में 10 अप्रैल 2020 को, वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन देके उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। फिर ईरान में हुआ था 448 लोगों की जाने गया था, 17 पीपल्स वर अरेस्टेड, ईरान में भी हुआ था। फिर म्यांमार में हुआ था 5 मई 2022 में सिविल वार हुआ था वहां पे, उसके बाद वहां की सरकार गिर गई थी। मतलब ऐसे बड़े बड़े जो घटना है, जो बड़े बड़े वायलेंस है, ये हमारे इंडिया के आसपास के जितने भी सारे कंट्रीज है, इसके आसपास सराउंडिंग कंट्रीज में सारे बहुत सारे घटना हो रहा है, लेकिन इंडिया स्टैंड्स टॉल, इंडिया पे अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो इंडिया हमेशा मतलब पीस बना के रहता है। तो देखिए मुझे गर्व होता है, आपने आपको भी आप लोग को भी सबको भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस देश में रहते, इतने बड़े देश में रह के इतने डाइवर्स कल्चर डाइवर्स या कम्युनिटीज रहते हैं यहाँ पे, डाइवर्स रिलीजन्स के आदमी लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में हम लोग सब लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे किसी कम्युनिटीज के साथ हम लोग झगड़ा वगैरह नहीं करते। तो ये हम लोग के देश से ये सारी चीज़ें दूसरे देश को सीखना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे पॉपुलेशन है, वर्ल्ड हाइस्ट पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, और हम लोग सब लोग पीसफुल चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, देश का प्रोग्रेस चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, और सारे लोग यही चाहते हैं, और इसी के दिशा में हम लोग के देश आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग की बात बताता हूँ, जो रिपोर्ट में जो दिखाया जाता है ना वो हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स हमारे इंडिया का पोजीशन 116 पे था, मतलब रैंक बहुत ही खराब था, यहाँ पे बहुत सारे वायलेंस वगैरह होता है ऐसा दिखाया गया था, और बांग्लादेश का रैंक 63 पोजीशन पे था, हमारे इंडिया का 116 और बांग्लादेश का
63 पोजीशन, मतलब बहुत अच्छा पोजीशन पे, वहाँ पे दंगे वंगे ये सब वायलेंस ये सब एजिटेशन ये सब नहीं होता ऐसा उस रैंक में, मतलब अच्छा रैंक था। लेकिन देखिए अभी बांग्लादेश में जो दिखाया गया था, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो दिखाया गया था, वो कुछ और हो गया वहाँ पे। मतलब वहाँ पे इतना बड़ा वायलेंस हो गया जहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा, और हमारे इंडिया का जो रैंक इतना खराब था, लेकिन हमारे इंडिया में अभी कुछ भी वायलेंस नहीं है, सब लोग पीसफुली रह रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी बांग्लादेश वायलेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे नॉलेज आप लोग को मेरे साथ आप लोग को जानने को मिलेगा, जानकारी मिलेगा। सो मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, जय हिंद।